योर बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसा सुनने को किसे अच्छा नहीं लगता रहेगा। कौन नहीं चाहेगा कि अपनी बॉडी फिट और फ्लेक्सिबल रहे। आई थिंक एवरीवन वुड लव टू बी फिट एंड फ्लेक्सिबल। मुझे लोग कहते हैं कि आप पतले हो इसके लिए नेचुरली फ्लेक्सिबल हो। गलत। पतले हैं तो आसानी से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बिल्कुल ही गलत। अगर आप मुझे पूछेंगे तो पतलापन और फ्लेक्सिबिलिटी इसका कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे मोटे लोग जो रहते हैं वो आसानी से कठिन कठिन योगासनास कर लेते हैं। कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। फ्यू स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज अगर आप हमेशा करेंगे तो आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल बन सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज कॉर्नर। फ्लेक्सिबिलिटी कम टू दोज हु कीप ऑन वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली। क्या खेलते हुए बच्चों को आपने देखा है कितने फ्लेक्सिबल रहते हैं? हम भी थे, पर बड़े होते होते न जाने ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ खो गई। जो बच्चे फ्लेक्सिबल इसके लिए रहते हैं क्योंकि जो वो खेल खेलते हैं वो एक तरीके का एक्सरसाइज ही रहता है, खेलना, दौड़ना, भागना। अभी आप मुझे पूछेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की मुझे अभी क्या जरूरत है, अभी थोड़ी मुझे भागना और दौड़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी की इसके लिए जरूरत है क्योंकि आप फ्री रह पाओ, बच्चों की तरह एनर्जेटिक रह पाओ। आपको मालूम है आपकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल रहती है तभी बैक पेन, नेक पेन, घुटनों का दर्द जैसे दर्द ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। और दूसरी बात, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है तो हार्ड एक्सरसाइज हो या हार्ड योगासना वो आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी फिट और मेंटेन तो रहती ही है पर उसके साथ साथ जो जॉइंट पेन रहते हैं हमें वो निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें जॉइंट पेन होते हैं उसका रीजन ये रहता है कि बॉडी का मूवमेंट न होना। और जब बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है तो हमारी बॉडी रिजिड हो जाती है और उसके वजह से पेन स्टार्ट होता है। आप देखिए, जब हम गाड़ी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं तो जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो हमारा जो लोअर बैक रहता है वो अकड़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे बैक एंड फ्रंट जैसे एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी की जो रिजिडनेस है वो चली जाती है और जो हमें पेन हो रहा है वो भी निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे बेसिक लेग स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी। और जिस वजह से आप हार्ड एक्सरसाइज बोलिए या फिर हार्ड योगासना बोलिए आप जरूर आसानी से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक लेग स्ट्रेचेस। सबसे पहले मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स एंड ट्राई टू टच द ग्राउंड विद योर हैंड्स एंड ट्राई टू होल्ड दैट पोजिशन एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड। आपके पैर शोल्डर लेवल से थोड़ा बाहर रखिए। कीप योर लेग स्ट्रेट। आपके पैर स्ट्रेट रहना बहुत ही जरूरी है। नाउ रीच टू द साइड एंड ग्रैब द एंकल। कीप योर लेग स्ट्रेट, डोंट बेंड योर लेग्स। इनिशियली आप हाथ से एंकल को टच करके खड़े रहिए, बट दिस इज नॉट योर गोल। यू हैव टू टच योर हेड टू लेग, दिस विल बी योर गोल एज that will be much more effective. Repeat the same to the other leg. जितना पैर आप स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं उतना स्ट्रेच करके बैठे। फिर राइट पैर को फोल्ड करें और फिर दोनों हाथों से लेफ्ट पैर पकड़ के पैर को फोरहेड टच करने की कोशिश कीजिए। Try to hold it at least for 10 seconds. Repeat the same with the other leg. Chalo, let's move to the other stretching. Fold your right leg and put your hands forward in the direction of the knee of the folded leg. Try to hold this position at least for 10 seconds. Repeat the same to the other leg. Now, lie down on the floor facing the ceiling. Slowly raise one leg and hold it for 5 seconds.
Now, using your both hands, hold the leg and slowly pull it towards your face as per as your comfort level. पर ये चीज ध्यान रखिए कि ये करते वक्त आपका जो दूसरा पैर है वो जमीन पे फर्म रहना बहुत ही जरूरी है. टेक योर वन लेग अहेड, बेंड इट फॉरवर्ड, पुट बोथ योर हैंड्स पैरेलल टू इट, कीप द अदर लेग स्ट्रेट बिहाइंड विदाउट टचिंग योर नी ऑन द ग्राउंड. नाउ स्लोली टच योर नी टू द ग्राउंड एंड फोल्ड इट अपवर्ड्स एंड ट्राई टू होल्ड इट विद ऑपोजिट हैंड. कीप योर बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, ट्राई होल्डिंग इट एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स. रिपीट द सेम विद द अदर लेग. Now, fold the front leg as shown in the video. Remember, distance between leg and the ground should be bare minimum. Now, lift both your hands and try touching your forehead to the ground. Repeat the same with the other leg. Now we will start with few stretching exercises. First, lie down on the floor, facing towards the wall. Remember to keep your body touched to the wall, keeping both your legs straight on the wall. Keep your hands firmly on the sideways. Now, move your legs together clockwise and anti-clockwise. Do remember to keep your body firm on the ground. चलो, let's move on to next exercise. आपको इसी position में रहना है और आपका एक पैर straight रख के wall को touch करके रखना है और आपका जो दूसरा पैर है उसे आपको नीचे लेते हुए जमीन को touch करना है. It should form 90 degree between two legs. ये स्ट्रेचिंग की मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है. कीप योर लेग्स वाइड ओपन. कीप इन माइंड दैट इट शुड नॉट बी स्ट्रेच टू मच और टू लिटिल. नाउ बेंड योर लेग फ्रॉम द नी टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश कीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि ये करते हुए आपका दूसरा लेग स्ट्रेट और ज़मीन पे फॉर्म रहना चाहिए. स्टार्टिंग में अगर आपको ये टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप नी का सपोर्ट लेके इस तरह ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो आज मैंने जो आपके साथ कुछ स्ट्रेचेस और कुछ एक्सरसाइज शेयर किए हैं वो कुछ बेसिक है तो कुछ हार्ड है, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे जरूर कर पाओगे. 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के लिए ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखिए और उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर में कितना बदलाव आ गया है. अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूले. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले. जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक stay safe, stay fit.